वालेकुम, वेलकम बैक टू सिमिनी चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खड़े से होंगे। आज मैं एक न्यू रेसिपी बनाने के लिए जा रही हूँ, चिकन छोले। नाम सुनने में बहुत ही अजीब है लेकिन बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको सुबह नाश्ते में नान के साथ खा सकते हैं, शाम को रोटी वगैरह के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए मैं आपको छोलों की रेसिपी बताती हूँ कि कैसे बनेगी। सबसे पहले तो मैं आपको छोलों से स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने लिए थे 1/2 kg चने छोले हैं जो भी कह रहे हैं। इनको मैंने रात को ही डिप करके रख दिया हुआ था इसमें, ठीक है, देख सकते हैं। पानी भी मैंने इतना लिया था। तो ये आपने एक रात पहले ही, जब सुबह आपने बनाने हैं तो उससे पहले रात को आपने डिप करके रख देने हैं, ठीक है। मसाले मैंने लिए हैं, प्याज 2 प्याज लिए हैं जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, आपने भी इसी तरह कद्दूकस करना है। और एक टमाटर लिया है बड़ा सा जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक चम्मच मैंने, 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्च ली है। मसाले मैंने लिए नमक, हंसमिश हुआ सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच। तो आइए अपने रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मज़े के हमारे जो चिकन छोले हैं चने बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने एक बड़ा पैन लिया है जिसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी 1/2 कप। ऑयल इसके अंदर 1/2 कप मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को थोड़ा सा हम पकाएंगे और इसके अंदर थोड़ा सा कलर चेंज होने का, लाइट चेंज होने का। फिर इसके अंदर पत्ती भी मैं ऐड करूँगी। प्याज का जो कलर है लाइट रेड से चेंज होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन सबसे पहले डाल रही हूँ, उसके बाद अदरक ऐड कर रही हूँ। ये हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे प्याज के अंदर ही। एक तो लाइट रेड से इसका कलर चेंज हो जाए और दूसरा स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाए। किसी भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें, हर चीज़ को अच्छे तरीके से प्लेट को साफ करके पतीले में डाला करें। इस तरह आपके खाने में बचत भी पड़ती है और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, उसके लिए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी इसी तरह हम करेंगे, भुनेंगे थोड़ा सा। और साथ में मैं ज़रा इसके मसाले वगैरह जो नॉन क्वालिटी साथ में थी वो ऐड करूँगी। इनको भी हम 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे पकाएंगे। चलिए जब तक हमारा मसाला हो रहा है दूसरी तरफ मैं चनों को आपको बता देती हूँ, प्रेशर दे देकर रख देती हूँ और कितना पानी उसके अंदर ऐड करना है और कितनी देर तक करना है। तब तक ये मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। मैंने पानी इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है, 1/2 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। इसको हल्की आंच पर कवर करके रख दूंगी ताकि इसका मसाला अच्छे तरीके से पक भी जाए और मैश भी हो जाए। दूसरी तरफ हम चने रख देते हैं। अब मैंने प्रेशर ले लिया, इसके अंदर मैं 1 जग पानी ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। अब जो चने हैं मैंने अभी बोए हुए थे वो ऐड करूंगी इसके अंदर। बहुत ही जल्दी हमारे छोले हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी। दूसरी तरफ अपने मसाले का भी ध्यान रखना है कि मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि चने हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। चेक भी कर लेते हैं एक दफा कि चने हमारे अच्छे तरह से गल गए। जी ये भी बहुत बहुत अच्छे चने हमारे गल चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इन चनों के साथ हमें करना है, पहले इनका पानी निकाल कर इनको अलग कर लेते हैं।
चने जो हमारे अच्छे से गल चुके हैं, अब हमने करना ये है कि आधे चनों को हमने कूट लेना है और आधे चने हमने उस मसाले के अंदर ऐड करने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें कितने चने कूटेंगे। मैं इतने चने को कूट रही हूँ अच्छे तरीके से। आपने इनका मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से इनका हलवा टाइप बनाकर इनको करना है। बस इसी तरह से कूट लेने हैं। जब देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे चने बहुत नरम है, तो कितनी जल्दी से हमारे ये हो रहे हैं। हाफ कप समझ सकते हैं कि चने हमारे जो इनका है बन जाएगा, मैश हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये हो चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह हम थोड़ा सा और लेंगे। मैंने आपसे कहा था हाफ कप की क्वांटिटी होगी इसकी। बस ये काफ़ी होंगे इतने चने, बाकी के ही हम रख देंगे। इनको हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे। बस ये भी 2 मिनट तक अच्छे तरीके से वैसे ही हमारा मैश हो जाएंगे चने। अभी लोग देख सकते हैं मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो चुका है, ठीक है, और हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से मैश हो गया। और क्या है, ये जो मैश किए हुए चने थे वो ऐड करूँगी। इनको 2 मिनट तक इस मसाले के अंदर भूनूंगी। दो मिनट तक बस हम इनको भूनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। पानी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिमेनिया चैनल को, हमारे सिमेनिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपने रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है। बिल्कुल बाजार जैसे चने मैं आप लोगों को घर में बनाकर दिखा रही हूँ। ये भुनेंगे, अब इसके अंदर ये साबुत चने थे वो ऐड कर दूँगी। अब इनको मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। अब इनको 2 मिनट तक भुनेंगे और इंशाल्लाह हमारे चिकन छोले जिनको कहते हैं वो बिल्कुल रेडी होंगे। अगर आप थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी टाइप रखना चाहते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी फ्लेम को लो रखा है। बस 2 मिनट तक पानी बॉइल होने के बाद हमारे चिकन छोले बिल्कुल रेडी होंगे। हमारे चने बॉइल हो चुके हैं। प्लेट में आपको डालकर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करती। देख सकते हैं कितना मज़ेदार ग्रेवी भी इसकी बन गई है और चने हमारे अच्छे तरीके से मिक्स भी हो चुके हैं, मसाले के अंदर नरम भी हो चुके हैं। चले से हमारे चने एकदम रेडी हो चुके हैं। इसको ऊपर डेकोरेट करने के लिए मैं अदरक डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा, और साथ में हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक बारीक कट करके डाल रही हूँ। तो ये थी हमारी चनों की फाइनल लुक। माशाल्लाह से शायद आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इंशाल्लाह आपको ये चने थोड़ी लुक आप देख सकते हैं कितनी मज़े की है। और फाइनल लुक ये थी इनकी। आपने भी घर में जब चने बनाने हैं तो इसी तरह ही इनको इसकी लुक देनी है। मतलब ऊपर सा थोड़ा सा अदरक काट कर ऐड कर लिया, और हरी मिर्च काट कर ऐड करना चाहें तो काट कर सकते हैं। तो बहुत मज़े के, बहुत ही अच्छे हमारे चने छोले चने तैयार हो चुके हैं। घर में हमें ज़रूर ट्राई करने हैं।
घर में बाजार के चने लाने से बेहतर है कि हम घर में खुद चने बनाए हैं, हमारी नज़रों के सामने साफ सुथरे चने बनेंगे। तो ज़रूर रेसिपी को तैयार कीजिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।